नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर, डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीरो लॉस स्ट्रेटजी, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और अपने पैसे से रेगुलरली मंथली पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप गारंटीड अपने पैसे को यहाँ पे इस वीडियो को देख के बचा सकते हैं और शेयर मार्केट से रेगुलर पैसिव इनकम को कमा सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो बिल्कुल आप अपने पैसे को बचा पाएंगे और अपने पैसे से पैसिव इनकम को भी जो है कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पैसे से रेगुलर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं और आपको जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा उसका भी फ़ायदा कैसे मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहली बात तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे पहले आपका फंड सुरक्षित रहना चाहिए। अगर आपका फंड सुरक्षित रहेगा तभी आप मार्केट में खड़े रहेंगे और हर अपॉर्चुनिटी का आप मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो गिरने पर भी और मार्केट के बढ़ने पर भी। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि बताता हूँ कि किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी के तीन ही आयाम हैं, पूरी मार्केट के भी तीन ही आयाम हैं। या तो मार्केट जाएगा अप, यानी कि कोई भी शेयर आपने खरीदा या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे की साइड जाएगा, यानी कि वो जाएगा डाउन, या फिर वो जो है एक ही दिशा में यहाँ पे घूमता रहेगा, ना तो वो ऊपर ही जा रहा है और ना वो नीचे ही जा रहा है। तो चाहे देखिए मार्केट जाए अप या मार्केट जाए डाउन या मार्केट रहे रेंज बाउंड, हमें तीनों की तीनों कंडीशन में पैसा बनाना है। कैसे बनाएंगे मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पूरी एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटरटेनिंग बात मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प बात बताऊँगा। देखिए, पैसा कमाने और बचाने से ज़्यादा दिलचस्प बात कोई भी नहीं है। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, उससे कुछ ना कुछ रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे बताइए कि क्या इसको आपको समझ में नहीं आया। आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको हिट करके इसे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आप शेयर मार्केट में बिना किसी लॉस के रेगुलर पैसे को जो है बना सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पीएसयू सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, तो हम एसबीआई का एग्जांपल ले रहे हैं। आप किसी और भी कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हैं या उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उसका भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे नियम हैं इस स्ट्रेटजी में, उनको आपको फॉलो करना होगा। फ्यूचर और ऑप्शन में वो होना चाहिए। तो देखिए, पीएसयू सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो आज के डेट में एलटीपी देखेंगे, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो है 500 रुपये, वो है 592 रुपये 95 पैसे। ये इसका जो है एलटीपी, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो इसके एक शेयर का कीमत है वो है 592 रुपये 95 पैसे। अब सब कुछ करिए, हमें इस पर अपनी स्ट्रेटजी कैसे लगानी है। तो स्ट्रेटजी लगाने के लिए हम इसके चलते हैं ऑप्शन चैन में। पहली बात तो ये, आपका जो भी स्टॉक्स है वो एफएनओ में लिस्टेड होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन में उसको होना ही चाहिए। तो पहला नियम यही है कि इसको एफएनओ में होना ही चाहिए। तो चलिए हम इसकी एक बार ऑप्शन चैन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दोस्त नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये तो है हमारी पुट साइट, यानी कि यह है हमारा पुट और यह है कॉल। जो बिगनर है मैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन जो एडवांस लेवल के लोग हैं, जो थोड़े से एडवांस है, वो तो जानते हैं कि पुट ये है, कॉल ये है। ये इसका जो है लॉट साइज़ है, एसबीआई का लॉट साइज़ आप समझते हैं, इसका एक लॉट साइज़ जो है 1500 का है। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये बायर का प्रीमियम है, यानी कि ये बाय करने वाले हैं और ये जो है यहाँ पे सेल करने वाले हैं, यानी कि ये जो है बिड प्राइज़ है और ये जो है आस्क प्राइज़ है। तो आप समझ गए ये बिड है या आस्क है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया, यानी कि सीएमपी बताया, एलटीपी बताया, वो था 592 रुपये 93 पैसे। तो मैं मोटा मोटी पकड़ लूँ कि अभी जो है इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस समय है 595 रुपये। तो आप देखिए, ये पुट है या कॉल है
और कॉल पुट के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं, यानी कि जब आप कॉल को बाय करते हैं तो आप कर रहे हैं इसमें तेजी, और पुट को अगर आप इसमें बाय करते हैं तो आप कर रहे हैं इसमें मंदी, यानी कि आप कर रहे हैं मंदी। अगर आप पुट बाय रहे हैं तो आप इसमें मंदी कर रहे हैं, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुट खरीदूंगा और ये गिरेगा तब आपको फ़ायदा होगा, और आप कॉल खरीद रहे हैं तो जब ये SBI बढ़ेगा तब आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो पुट का मतलब आप इसमें मंदी कर रहे हैं, कॉल का मतलब आप इसमें तेजी कर रहे हैं, तो बाय का मतलब है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है बाय नहीं करना है, हमें करना है यहाँ पे सेल, हमें करना है सेल। तो एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, आप और सेफ चाहें तो आप 580 के जो स्ट्राइक प्राइस है इसका पुट भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जो कि 10 रुपये 5 पैसे में है। लेकिन मैं यहाँ पे सपोज मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 585 रुपये का, आप 585 रुपये के प्रीमियम पे अगर आप पुट शॉर्ट करते हैं तो ये आपके पुट का जो प्रीमियम है वो है 11 रुपये 55 पैसे, और इंटू अगर मैं इसे 1500 कर दूं तो इसकी जो प्रीमियम की कीमत है वो आएगी 17,325 रुपये, यानी कि 17,325 रुपये आपको मिलेंगे। आपका इसमें जो मार्जिन लगेगा वो लगभग 1,50,000 के आसपास आपका इसमें मार्जिन लगेगा इसको शॉर्ट करने में। ये ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग होता है, थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन लगभग 1,50,000 रुपये में आपका ये पुट जो है यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि आप इसको सेल कर देंगे, आपका प्रीमियम मिलेगा 17,325 रुपये जो है आपको इसमें मिलेंगे। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर जो है नीचे जाएगा या फिर यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा। तो देखिए मार्केट अगर अप जाता है तब भी हमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हमारा ये 17,325 रुपये हमें बच जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम जो है ये 0 हो जाएगा एक्सपायरी तक अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो। अगर ये रेंज बाउंड रहता है मार्केट, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, अगर ये 300 अगर ये 595 से 590, 585, ये 595, 590, 588, 589, 587, ये कहीं पे भी अगर इस ये जो है एक्सपायरी हो जाती है तो ये जो है प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो आपको 17,325 रुपये आपको जो है इसमें मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर सपोज करिए ये मार्केट नीचे चला जाता है, मार्केट नीचे चला जाता है, मार्केट जो है यहाँ पे आ गया 585 रुपये पे, 585 रुपये पे ही आ गया, मैंने मान लिया कि मार्केट जो है आपका 585 रुपये पे आ गया, अब फिर क्या होगा सर? बहुत सारे लोगों के तुरंत कमेंट और क्वेश्चन आ जाएंगे कि सर अगर मार्केट 585 रुपये आ गया तब क्या होगा, तो तब क्या होगा तब देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं सर, देखिए दो आयामों पे तो हमें प्रॉफिट है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा हमारा हमको 17,325 रुपये मिल जाएगा, और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तब भी हमको 17,325 रुपये मिलेगा। अब खतरा कहाँ है, खतरा खाली एक ही जगह है, वो है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, तो देखिए अगर हम इसमें टाइम डिके तो हो गई होगा, एकदम तो ऐसा नहीं है सडनली जो है 585 रुपये ये पहुंच जाएगा, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। यहाँ पे हमारा बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान क्या है कि अभी देखिए इसका लॉट साइज मैंने क्या बताया, इसका लॉट साइज है 1500 का, तो अगर मार्केट 585 तक गिर जाता है तो हम इसको 585 रुपये पे 1500 शेयर SBI के खरीद लेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 8,77,500 रुपये, ठीक है सर, आपको समझ में आया। हमने जो पुट शॉर्ट किया, अगर मार्केट ऊपर जाएगा हमें 17,325 बनेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा 17,325 बनेगा, अगर मार्केट डाउन आएगा तो हम जो है पूरा का पूरा अपना प्रीमियम पे करेंगे, पूरा मार्जिन देंगे और SBI को 585 रुपये पे खरीद लेंगे। यानी कि अगर हम अभी खरीदते तो कितने पे खरीद पाते, 592 रुपये 95 पैसे पे, और अगर हम पुट बेच के खरीदेंगे तो मार्केट नीचे ही जाएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा तो हम इसको कितने पे खरीदेंगे, 585 रुपये पे हम इसको खरीदेंगे। अब देखिए 10 रुपये तो 11 रुपये 55 पैसे तो हमने पहले ही ले चुके हैं, जिसका प्रीमियम हमने पहले ही लिया हुआ है, ठीक है। तो 10 रुपये अगर ये ऊपर बढ़ेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये 592 रुपये से आपको यहाँ पे भी तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई भी लॉस होने वाला नहीं है।
अब सब कुछ करिए, आपने 585 रुपये पे SBI के 1500 शेयर आपने बाय कर लिए, जो कि होता है 1 लॉट, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमारी बैंक साइट हो गई। अब सब कुछ करिए, हमने 1500 शेयर जो है 585 पे हमने जो है बाय कर लिए। कितने पे? 585 पे हमारी बाइंग पड़ी है। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, आगे की ऑप्शन चेन भी ऐसी होगी तो मोटा मोटा प्रीमियम हम देख लेते हैं कि हमने 585 पे भाव पे हमारे पास 1500 शेयर पड़े हैं SBI के, जो कि है 1 लॉट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 लॉट के बराबर शेयर है, हम क्या करेंगे, सपोज करिए हमने 600 रुपये का, 600 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का जो CE है वो हमने यहाँ पे फिर जो है एक शॉर्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया। इसके जो प्रीमियम वो क्या है, 16 रुपये 20 पैसे इंटू 1500 अगर आप करेंगे इसको, तो ये जाके आपका बनेगा 16 रुपये 20 पैसे गुणा अगर 1500 करेंगे तो ये आपका बनता है 24,300 रुपये। 24,300 रुपये का प्रीमियम आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है जी। अब क्या रहेगा, अगर मार्केट 600 रुपये से नीचे नीचे एक्सपायर हो जाता है, वो एक्सपायरी अगर 600 से नीचे नीचे हो जाती है तो आपके 24,300 रुपये यहाँ पे बनेंगे, ठीक है सर। 24,300 रुपये आपके बनेंगे। और सपोज करिए ये प्राइस बढ़ के 595 रुपये आ गया, ठीक है, या 97 रुपये आ गया, 597 आ गया, 598 आ गया, अगर ये यहाँ कहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो आपने तो सर 585 रुपये पे ख़रीदा ना, इसे 585 रुपये पे ख़रीदा है, तो ये जो 16 रुपये का प्रीमियम है ये आपका जीरो हो जाएगा। इससे आपको ये 24,300 रुपये बन गए, ठीक है सर। और उसके बाद में जब ये ऊपर आया, मान लीजिए 97 रुपये आ गया, तो 12 रुपये आपके यहाँ बढ़ गए, ठीक है। मोटा मोटा माना मैंने कि जो है एक राउंड ऑफ में ले लेते हैं कि 595 रुपये पे एक्सपायर हो गया, तो आपको 10 रुपये तो यहाँ से प्राइस एप्रिसिएशन मिल गया ना, 10 रुपये प्राइस एप्रिसिएशन, यानी कि 1500 शेयर आपके पास, तो 15,000 यहाँ से बन गए। तो आप देखेंगे 15,000 और प्लस 24,300, प्लस अगर मैं 24,300 कर दूँ इसमें तो ये कितना बनता है, ये बनेगा साहब 39,300 रुपये आपको बनेंगे। अब बोलोगे सर ये ऊपर जाने लगा तो, या जो 600 रुपये का हमने शॉर्ट कराया, अगर ये उससे ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम डीके तो होगा ना, 16 रुपये 20 पैसे में यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये शेयर मार्केट है, रिस्क की तो है, रिस्क तो यहाँ पे है, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा तो बनाएंगे नहीं। सर आप एक मकान भी खरीदते हैं, तो कुछ करिए आप 50 लाख रुपये का मकान भी खरीदते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप उसे रेंट पे भी उठाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, किराएदार कैसा है, नहीं है, क्या है, किराया समय पे आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, लीगल, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप 9 लाख रुपये अगर लगा भी रहे हैं, मैंने मोटा मोटी मान लिया 8,77,500 रुपये आपके लग रहे हैं, 9 लाख रुपये लग भी रहे हैं, और वहाँ पे देखिए आप 1 महीने में लगभग 39,000 रुपये बना रहे हैं या 35,000 रुपये बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाना है, सोच करिए कि इस 16 रुपये 20 पैसे का प्रीमियम गल गल के 8 रुपये हो गया, और मार्केट सपोज करिए कि 595 रुपये तक आ गया, यानी कि 5 ही रुपये नीचे बचा है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ये 595 रुपये पर आ गया तो प्राइस एप्रिसिएशन तो हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 16 यानी कि 600 रुपये का जो स्ट्राइक प्राइस है, हम इसको पूरी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट करेंगे, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया उसे हम एग्जिट करेंगे, और हम इसे 610 वाले को जो है या 605 वाले को यहाँ पे फिर शॉर्ट कर देंगे, कॉल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो अब हम और भी सेफ हो गए, यानी कि हम अगर 610 का शॉर्ट करते हैं, पहले हमने 600 का स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है, फिर हमने 610 पे शॉर्ट कर दिया तो 10 पॉइंट हम और भी ऊपर आ गए। तो कुछ करिए, अगर आपने 8 पॉइंट यहाँ से निकाले, ठीक है सर, और आपने लगभग 7 से 8 पॉइंट यहाँ भी निकाल लिए, तो आपके पॉइंट तो 16 ही हो गए ना, 16 ही हो गए, तो तब भी लगभग 24,000 रुपये के आसपास बनेंगे। और जो ये बढ़ के आ रहा है, जो आपने 585 पे ख़रीदा है और ये 605 हो गया, फिर इसमें भी तो आपके 20 रुपये बढ़ गए ना, इसमें भी तो 20 रुपये बढ़ गए, आपके पास 1500 शेयर पड़े हैं, 20 रुपये बढ़ गए, क्या हुआ, 30,000 रुपये आपके यहाँ बढ़ गए, ठीक है सर।
और 24,000 रुपये आपने यहाँ से बना लिए, तो आप 54,000 रुपये बना रहे हैं फिर। तो ऐसे करके आप जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो उस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के आप आगे का शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1500 शेयर आपके पास पड़े हैं, भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई, अगर मार्केट तुरंत ही ऊपर चला गया, यानी कि सोच करिए कोई ऐसी भयंकर न्यूज आ गई, आपने 610 पे शॉर्ट किया हुआ है और 615 खुल गया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे 5 पॉइंट ही तो बढ़ेंगे, आप तो यहाँ से बढ़ाते हुए ला रहे हैं ना इसे, 30 पॉइंट तो आपके पास है, आप पूरे का पूरा लॉट बेच दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो मार्केट चाहे अप जाएगा या डाउन जाएगा, आपको जो है प्रॉफिट होने ही वाला है। मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। मार्केट ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। मार्केट नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। नहीं समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा पूरा कैलकुलेशन मैंने जो भी इसमें बताया आपको। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू काम करिए, आपको ज़बरदस्त पैसा बना के ये देगी। फिर भी आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।